हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति अगेन हियर। हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा था बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। हमने जेंडर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। अब हम लोग नंबर पर हैं। नंबर के मैंने आपको 9 रूल्स बता दिए थे कि कैसे सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आपको सभी को याद होंगे। आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं आज। सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ नाउन क्या है कि सिंगुलर लुक देते हैं लेकिन होते क्या है, वो वास्तव में प्लूरल होते हैं। जैसे आर्म्स है, रिचेज, ईव्स, ठीक है। जैसे आर्म्स का मतलब होता है भीख, तो भीख क्या है, एक सिंगुलर लुक देती है लेकिन वो एक्चुअल में होती प्लूरल है। ऐसे ही रिचेज, रिचेज का मतलब वेल्थ, मनी, पैसा, जो भी, वट एवर यू हैव। जैसे एग्जाम्पल है, रिचेज डू मैनी थिंग्स, रिचेज कर सकते हैं बहुत सी चीज़ें। मनी कैन डू एनी थिंग लाइक दिस। तो रिचेज के साथ डू आया है। डू और डस का आपको पता होगा, डू हमेशा प्लूरल के साथ आता है, डस हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, तो इसमें डू का यूज़ हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है कि रिचेज क्या है, यूज़ ऐसे प्लूरल। नेक्स्ट है, सम नाउन लुक प्लूरल बट आर इनफैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखाई तो प्लूरल देते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। कैसे भाई, वो दिखते क्यों हैं प्लूरल, क्योंकि उनके आगे एस लगा होता है। हमने तो यही पढ़ा था पहले के रूल्स में कि जिसके एस लगा दो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे ये सब्जेक्ट्स नेम है, जैसे कि मैथमेटिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स एस लगा दिया, फिजिक्स में लगा दे, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा दे, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक, इनमें जब एस ऐड कर दिया तो भी ये सिंगुलर ही रहते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आएगी। एग्जाम्पल देखिए, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज आया है ना, इसका मतलब है इकोनॉमिक्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब ये सिंगुलर है क्योंकि वर्ब भी तो सिंगुलर आया है, आर नहीं आया। दूसरा, इसमें जो सेकंड सेंटेंस है ना, द इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये बिल्कुल गलत है, पहले वाला सही है, क्योंकि सब्जेक्ट के नाम के पहले द या कोई भी आर्टिकल नहीं आता है नॉर्मल सेंटेंस के अंदर, ठीक है। बाकी जो जहां यूज होगा वहां मैं आपको आर्टिकल वाले लेसन में क्लियर करूंगी। फिर द वर्ड न्यूज़, न्यूज़ में एस लगता है लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। नेम ऑफ सम कॉमन डिजीजेस, कुछ बीमारियों के नाम जो हमेशा एस के साथ यूज़ किए जाते हैं लेकिन होते सिंगुलर है, जैसे मीजल्स, माता हो जाती है बच्चों को, मम्स, रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स सॉफ्ट हो जाती है बच्चों की, स्पेशली पैर वगैरह की, डायबिटीज, सबके साथ इसका यूज़ किया जाता है लेकिन इनको माना सिंगुलर जाता है, इसलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा। जैसे आगे है नेम ऑफ सम गेम्स, कुछ गेम्स भी ऐसे होते हैं जो कि एस के साथ यूज़ किए जाते हैं लेकिन वो होते ही सिंगुलर है, इनको बिना एस के यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, मीन्स इज यूज आइदर एज सिंगुलर और प्लूरल। जो मीन्स वर्ड होता है ना, उसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। कब, जब कोई मीन्स हमारा साधन के रूप में यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, कि हम इस मीन्स, हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस तरह से, जैसे जैसे एग्जाम्पल देखने आपको समझ में आएगा, ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स, वो इस मीन्स से सफल हुआ, या फिर बाय दीज मीन्स, या फिर इन इतने सारे मीन्स, इतने सारे साधन से सफल हुआ पासिंग द एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दिस और दीज दोनों कैन बी यूज, लेकिन इट हैज़ द मीनिंग ऑफ वेल्थ, इट इज़ ऑलवेज प्लूरल। जहाँ इसका मतलब वेल्थ के रूप में आया, पैसे के रूप में आया, वहाँ ये हमेशा प्लूरल होगा। एग्जाम्पल, हिज मीन्स आर स्मॉल, यहाँ मीन्स का यूज किस रूप में आया, उसकी इनकम के रूप में आया, उसकी आय के रूप में आया, उसकी आय क्या है, आर स्मॉल, मतलब प्लूरल कन्वर्ट कर दिया इसको, क्योंकि पैसों के रूप में आया, बट ही हैज़ इनकर्ड नो डेब्ट, लेकिन उसके कोई डेब्ट नहीं है, इस तरह से कोई उसके ऋण नहीं है। नेक्स्ट है सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स, दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल्स। कुछ कलेक्टिव नाउन मैंने आपको पहले समझाया था क्या होते हैं, है ना, कुछ ग्रुप होता है कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों का या चीज़ों का, उनको एक नाम दे दिया जाता है, नेम इज गिवन टू देम, दैट इज, तो वो सिंगुलर दिखते हैं, एक नाम दिया जाता है तो वो एक नाम आता है और उसमें एस बी एड नहीं होता, लेकिन वो होते हमेशा प्लूरल के जैसे यूज है, जैसे पोल्ट्री है, मुर्गी फार्म जो होता है, कैटल है, वर्मिन है, स्मॉल ब्लैक इंसेक्ट होता है, पीपल है, जेंट्री मतलब हाई क्लास के लोग होते हैं, वो सब हो, इनके साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, मतलब बहुवचन माना जाता है इनको हमेशा। फॉर एग्जांपल, दीज, दीज किसके साथ आता है, दीज हमेशा बहुवचन के साथ आता है, दिस सिंगुलर के साथ आता है, दिस और दीज के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना, दिस एक जने के, एक सिंगुलर के साथ आता है, दीज एक से अधिक के लिए यूज होता है। तो यहाँ है दीज, पोल्ट्री, और आर भी हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ प्लूरल के सेंस में है।
हुज आर दीज कैटल, वही चीज़ है दीज और आर। हु आर दूज पीपल, दूज और आर, दूज भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, आर का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से इन सब के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगा। नेक्स्ट है फर्नीचर वर्ड, फर्नीचर। द फर्नीचर इन दिस हाउस इज़ रियली ग्रांड, इस घर का फर्नीचर बड़ा शानदार है। वी कैन रेफर बिट्स ऑफ और पीसेज ऑफ फर्नीचर, हम बिट्स ऑफ फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं, पीस ऑफ फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी फर्नीचर्स का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब फर्नीचर वर्ड में अगर हम एस लगाएंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इंफॉर्मेशन है ऐसे ही, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड इज़ गिवन इन दिस बुकलेट, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस बुकलेट में दी रखी है। यदि हमें कुछ लगा के बोलना है तो हम आइटम्स लगा सकते हैं, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशंस नहीं लगाएंगे। अगर एस लगाएंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से एडवाइस में आई गेव हिम सम साउंड एडवाइस, ठीक है, हम पीस ऑफ एडवाइस बोल सकते हैं लेकिन एडवाइसेस नहीं बोल सकते। एडवाइसेस कब बोल सकते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर रूल है। द प्लूरल एडवाइसेस इज़ यूज्ड ओनली इन ए टेक्निकल सेंस, कोई टेक्निकल सेंस में बोल सकते हैं, कमर्शियल कोई बिजनेस से रिलेटेड या फिर लीगल कोई कानून से रिलेटेड हम इसमें एस का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल सेंटेंस में एडवाइसेस नहीं होता, पीस ऑफ एडवाइसेस हो सकता है, साउंड ऑफ एडवाइसेस एडवाइस हो सकता है। ऐसे ही कुछ वर्ड है बगेज, कभी भी बैगेज नहीं, बैगेजेज नहीं होता, बैगेज होता है, लगेज होता है, हेयर होता है, ठीक है। देखिए हेयर वैसे तो काउंटलेस नाउन होता है, मतलब जिसको काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। काउंटलेस नाउन को हम काउंटेबल कर सकते हैं चाहे तो, है ना। यदि मान लीजिए आप किसी 2 या 5 या 4 हेयर के बारे में बात कर रहे हो तब आप हेयर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 5 हेयर्स इफ़ यू कैन काउंट देम। लेकिन आप ऑल ओवर अपने बाल के बारे में बात कर रहे हो तो हेयर ही आएगा, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ऐसे ही होमवर्क होता है, नॉलेज होता है, प्रोग्रेस के साथ नहीं आएगा। एस न्यूज़ में जैसे है रिसर्च, ट्रैफिक, चॉकलेट, मनी, रिलीफ, इन सब के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। नेक्स्ट है सम नाउन्स एंडिंग इन आर वाई, कुछ नाउन आर वाई में एंडिंग होते हैं विच आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म। इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है और वही वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। आर वाई वाले कौन से हैं देखते हैं। हमें लगता है कि दो दे हैव ए प्लूरल सिग्निफिकेंस, कि वो प्लूरल है, उनका सिग्निफिकेंस प्लूरल है, लेकिन वो होता सिंगुलर है। जैसे ड्रेपरी, इमेजरी, इमेजरीज कभी नहीं होता, मशीनरी, पोएट्री, सीनरी, स्टेशनरी, स्टैचुअरी, है ना। तो ये सब जो वर्ड होते हैं इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, ये अपने आप में प्लूरल ही होते हैं, और इनके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। नेवर से इमेजरीज, इमेजरीज कभी मत बोलो, गलत हो जाएगा। सीनरीज मत बोलो, ये मशीनरीज है, मशीनरीज नहीं बोलो, हमेशा मशीनरी ही करेक्ट होगा। ऐसे ही दीज वर्ड्स इन द सिंगुलर फॉर्म नेचुरली टेक सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो वर्ब भी इनके साथ हमेशा सिंगुलर आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल द इमेजरी इन दिस पोएम इज़ वेरी स्ट्राइकिंग, इस पोएम में चाहे कितनी भी इमेजरी पोएट डाल दे, 4-5 कितने भी, लेकिन हम इमेजरी ही बोलेंगे, इमेजरीज नहीं बोलेंगे। इमेजरीज बोला तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा पोइट्री में भी हम पोइट्रीज नहीं लिखेंगे, पोइट्री ही लिखेंगे। यदि आपका बहुत ज़्यादा एस लगाने का मन है तो आप पोएम में एस लगा सकते हैं, आप पोएम लिख के उसमें पोएम्स कर सकते हैं, लेकिन पोइट्री के साथ आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे। द मशीनरी फॉर दिस फैक्ट्री वॉज इम्पोज्ड फ्रॉम जर्मनी, सॉरी दार्जिलिंग, ये जो मशीनरी है ये दार्जिलिंग से इम्पोर्ट की गई है। तो यहाँ भी मशीनरीज नहीं आया, मशीनरी आया है। सीनरी इज़ मार्वलस, सीनरी कैसी है, मार्वलस है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आज के लिए इतना ही। ये आप नोट्स बना लेना, कुछ इसमें मिस्टेक्स है जो मैंने करेक्ट कर दी, मशीनरीज है। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपकी ग्रामर कंप्लीट करना और अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।